क्लास साइक्लोस्टोमेटा। आपके सामने यहां ना एक इमेज अवेलेबल है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तभी मैंने इसको जूम कर दिया कि कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। नजर आ रहा है आपको एज इट इज जैसे है। अब इसमें कुछ आपको फीचर्स ऐसे दिखेंगे जो इसको देख के ही लिख सकते हैं आप। रटने रटाने से काम तो चलेगा नहीं, आपको चीजें दिखेंगी तो इजिली समझ आएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज कि इसके जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स है ना, ये दूसरे अदर जो फिशेज है ना उसके ऊपर ये एक्टोपैरासाइट्स की तरह रहते हैं। एक्टोपैरासाइट बोलने का मतलब उसके सरफेस के साथ ये क्या करेगा, चिपक जाएगा। ठीक है, और वहां पे ये सरवाइव कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा ना एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है वन, मतलब बोलने का ये हुआ कि अगर आपको इस साइड दिख रहा है तो दूसरी साइड भी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ क्या दिखा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस ऑर्गेनिज्म में आपको कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स दिख रहे हैं, स्लिट मतलब होल होता है, तो गिल स्लिट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो एक इसका स्पेसिफिक पॉइंट है कि इसके पास 6 to 15, मतलब 6 पेयर हो सकता है। अभी ये जो आपको दिख रहा है इसके पास 7 पेयर है, 8 पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर, 11, 12, 13, 14, 15, अप टू 15 पेयर तक इसके पास गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट और अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सवाल ये उठता है कि भाई हमने तो पहले ही बोला, और एक हम ऐसे क्लास के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं जिसके पास जॉ तो है ही नहीं। तो जब इसके पास जॉ नहीं है और जब इसके पास जॉ एब्सेंट है तो फिर ये करेगा क्या, क्या लिखना पड़ेगा हमें उसके लिए? तो शुरू में तो खैर हम लोग लिख देंगे, हम क्लास ही पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा। और जब मैंने आपको जो इसका क्लासिफिकेशन सिखाया था, मैंने वहीं पर टैग लगा दिया कि आप एक ऐसी कैटेगरी के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं जिसके पास जॉ नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो हम यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका माउथ कैसा है, तो ऐसे सर्कुलर है। ठीक है, तो इसका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर सकिंग माउथ है ये, मतलब शेप में सर्कुलर है और सक करने वाला माउथ है इसका, विदाउट जॉस। जॉ तो खैर है ही नहीं इसके पास, पहले आपने सीखा। अब एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको अभी अभी जो है ये इमेज दिखाया मैंने साइक्लोस्टोमेटा को क्लियर करने के लिए, ना इतने शाइनी बिल्कुल क्लियर जो है बाहर से आपको देखने में लग रहा है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या इसकी बॉडी के बाहर आपको स्केल्स नजर आ रहे हैं क्या? देखिए कोई स्केल दिख रहा है? नो मैम, नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा तो हम लोग लिख देंगे स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। बच्चा बोलता है मैम यहाँ पे दिख तो रहा है ये वाला फिन, बट इट्स नॉट पेयर्ड। यहाँ जो आपको ऊपर ऐसे दिख रहा है बस यही है इसके पास। इसके पास जैसे बाकी मछलियों में होता है ना, बचपन में आप जब ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो फिन आप पेयर में बनाते हैं, ऊपर बनाया तो नीचे ही बनाया, हमेशा उसको पेयर में बनाते हैं। इसके पास पेयर्ड फिन्स जो है वो नहीं है। अब ये आपको देखने से ही पता चल रहा है क्या इसके पास जो है, बिल्कुल अगर आप ढूंढना चाहें कि हमें बिल्कुल बोनी स्ट्रक्चरल जो है सारा पार्ट इसका मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजनस नेचर का है। अब इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, अब आगे आपको जो भी पढ़ना है, सबके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप का होगा। कैसा होगा, क्लोज्ड। अब ओपन होने का सवाल होता ही नहीं है आगे की किसी भी कैटेगरी में, तो ये तो ईजी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि ये खुद जो है मरीन वाटर में रहेगा, मतलब इसको एक्स्ट्रा सॉल्टी वाटर चाहिए खुद जीने के लिए, खुद इसको जिंदा रहने के लिए। लेकिन जब इसको स्पॉनिंग करना होता है, मतलब स्पॉनिंग मतलब एग लेइंग होता है, तो ये मूव करके कहाँ जाएगा, ये जाएगा फ्रेश वाटर में, और स्पॉनिंग स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन के अंदर उसकी डेथ भी हो जाती है। फिर लार्वा, अब भाई कहाँ उसने एग लेइंग करा था, तो एग ले तो किया था उसने फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर में जो उसका लार्वा है वो जब मेटामॉर्फोसिस करता, मतलब लेवल ऑफ
देखिए इसमें कि कितना हाई लेवल ऑफ सेंस इसके पास है। लार्वा जब इसका मेटामॉर्फोसिस का मतलब मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, काउंटलेस टाइम्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस ओशन में मतलब रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल्स जो इसके हैं, क्लासिक एग्जाम्पल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आपको अभी ये दो इमेजेस दिख रहे थे अभी, तो ये दो जो हैं इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। एक हम लोग लिखेंगे हैगफिश, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी को मेगजीन भी कहते हैं हम लोग। देन आपके पास यहाँ पे लैम्प्रे है, दैट इज स्पेक्ट्रोमाइजर, है ना। तो पहले मुझे एक बात बताएंगे, ये सारे पॉइंट समझ आए सबको? समझने में कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम, क्लियर है। हाँ, सिर्फ इसको जो देख के आप लिख सकते हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आपको जो दिख रहा है वो लिखना है। मैं पूछूं क्या क्या दिखा, आप बोलेंगे अच्छा ऐसा स्मूथ बॉडी है, इसका मतलब बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं है। इसके पास क्या दिख रहा है आपको? पेयर्ड फिन्स नहीं है, बस ये ऐसे सिंगल ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है सो प्रेजेंट है, ठीक है। माउथ कैसा है इसका? माउथ इसका सर्कुलर सकिंग टाइप ऑफ माउथ है। फिर अगर हम लोग बात करें, इसमें पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, तो 6 to 15 पेयर्स हो सकते हैं इसमें, मतलब 6 से लेके 15 तक। जरूरी नहीं कि 6 ही हो, जरूरी नहीं कि 15 ही हो, उसके बीच का कोई भी पेयर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। माउथ कैसा है इसका? तो जॉ नहीं है। अब इसके बाद ना मैं किसी में आपको नोट नहीं करवाने वाली कि इसके पास सर्कुलर सकिंग माउथ होगा, नहीं, सिर्फ इसी में हम लोगों को क्या करना है, ये लिखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको क्लियर हो गए तुरंत, अब तो खैर टाइम नहीं लगेगा लिखने में, तो मेरे ख्याल से हार्डली 2 to 3 मिनट में पूरा ही ओवर हो जाता है। चलिए साइक्लोस्टोमाटा हम लोग लिख रहे हैं। अगर इसके सारे लेवल्स गायब कर दिए जाए ना, और नेम भी अगर इसका हटा दिया जाए, बच्चों से मैं पूछती हूँ जैसे जब भी होता है इमेज रिकॉग्नाइज करने के लिए, मैं कहती हूँ बताओ ये क्या है, कहते मैम ये बहुत इजी है, तो स्नेक तो है ये, मतलब उनको कैसा दिख रहा है वो, ये स्नेक जैसा दिख रहा है, जबकि ये नहीं है, ध्यान नहीं देते वो। एक्चुअली क्या है ना, जल्दबाजी में इसके इस फ्रंट पोर्शन को वो देखते हैं और उनको लगता है ऐसे बाहर से जो सरफेस है इसका कैसा लग रहा है, काफी स्मूथ लग रहा है, तो देखते के साथ वो जो क्विक आंसर करते हैं उनके मुंह से यही निकलता है, बच्चों के मुंह से, बट एक्चुअली इट्स नॉट स्नेक। क्या है ये पेट्रोमाइजन है, जो आपने अभी भी इसका एग्जाम्पल पढ़ा है। तो इसको देख के जैसे जैसे आपके पास जो है वो आपको पॉइंट जो है वो मेंशन कर लेना है। बहुत ही आसान है पढ़ने के बाद। मैंने आपको बोला था कि मेरे एनिमल किंगडम पढ़ाने के बाद ये चैप्टर सुपर इजी हो जाएगा आपके लिए। एक बार देखेंगे, अगर आप साथ के साथ याद करते चले हैं तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कुछ भी टफ लग रहा होगा इसमें। आपने इसको कहाँ से उठाया है, मतलब कहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है? तो पहला कैटेगराइजेशन जो आपने इसी आधार पे किया ही था इसका, कि इसके पास जॉ नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट वही लिखेंगे, जॉज आर एब्सेंट। मतलब जॉलेस है ये। देन ऑल साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासाइट्स, मैं बोल रही हूँ, नॉट एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। सबसे इंपॉर्टेंट,
नंबर ऑफ गिल्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यही याद रखना है बस, बाकी में क्या है, बाकी में तो कुछ है ही नहीं। इस बेचारे ऑर्गेनिज्म को देखा, ये खुद ही अपने पॉइंट्स बता रहा है, व्हाट आर माय फीचर्स। तो सिर्फ आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ गिल्स है वो याद रखना है, दैट आर 6 to 15 पेयर्स। उस क्योंकि सबका टाइप ऑफ माउथ लिखेंगे, जब हम कार्टिलेजिनस फिश लिखेंगे उसका भी लिखेंगे, जब हम बोनी फिश लिखेंगे उसका भी लिखेंगे, तो अलग से ही इसको ऐसे ही करके पॉइंट देते हैं, टाइप ऑफ माउथ कैसा देखा है आपने, कैसा सीखा है आपने, दैट इज सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, या टाइप ऑफ माउथ में हुई है सर्कुलर एंड सकिंग, आगे उतना लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी बॉडी कैसी है, ऐसे इलॉन्गेटेड? अभी मैंने बोला तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मतलब एक बैच में पूछा, तो एक बच्चे ने बोला मैम हमें स्नेक जैसा दिख रहा है, मतलब उसको कुछ और ना भी दिखाओ तो इतना तो नजर ही आया कि इसकी बॉडी कैसी इलॉन्गेटेड है। ठीक है, दे हैव एन इलॉन्गेटेड बॉडी नेचर ऑफ क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। इसलिए सब में लिखेंगे क्योंकि आप वर्टिब्रेट्स की ही पढ़ाई कर रहे हैं, इसको कभी नहीं भूलना है, नेचर ऑफ क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये तो पहचान है इसकी क्योंकि आप वर्टिब्रेटा पढ़ाई ही कर रहे हैं। कार्टिलेजिनस होगा, कार्टिलेज का बना हुआ है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया डन? यस मैम। अभी इसकी बॉडी पे, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कोई भी आपको स्केल नहीं दिख रहा, तो हम लोग आगे लिख लेंगे स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, नहीं है इसके पास। जो आपको एक सिंगल दिख रहा है इसका, बस वही है, पेयर में नहीं प्रेजेंट है वो। फिर अगर कोई आपसे पूछता है मेंशन द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज क्लोज्ड। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अब जो एक स्पेशल पॉइंट है इसका, साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन, मतलब इसका हैबिटेट अगर कोई आपसे पूछे तो इसके जो एडल्ट है वो एक्चुअली मरीन वाटर में ही रहना है उनको, इनका जो ट्रू हैबिटेट है वो मरीन ही है, लेकिन स्पॉनिंग के लिए इनको जरूरत होती है फ्रेश वाटर की, एग लेने के लिए कहाँ जाएंगे, ये माइग्रेट कर जाएंगे फ्रेश वाटर में। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग
टू फ्रेश वाटर। देन आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब एग लेइंग भी हो गया, स्पॉनिंग भी कर लिया, इनकी डेथ भी हो गई, तो बचा क्या कि जो ये साइक्लोस्टोम्स है इसको खुद ग्रो करना है। तो ग्रो करना है तो ग्रो करना बोलने का क्या मतलब हुआ कि जो लार्वा है वो अब एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार बस नोट करके लिख रही हूँ मेटामॉर्फोसिस, वैसे भी तो अब चैप्टर एंड ही होने जा रहा है। मेटामॉर्फोसिस मैंने शुरू में भी बोला था कि बच्चे मेटामॉर्फोसिस मेटाजेनेसिस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जबकि दोनों टोटली डिफरेंट टर्म्स हैं। मैंने आपको सिखाया था इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट। जब लार्वा किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए एडल्ट में, इस प्रोसेस को हम मेटामोर्फोसिस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपका ये समझा हुआ है तो आपको ये पॉइंट भी समझ आएगा कि देयर लार्वा, अगर हमने लिखा ना तो एक लार्वा को आप बोल रहे हैं, अगर आपने ई लगा दिया इसमें तो इसका प्लूरल हो गया, देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, रिटर्न टू द ओशन। फिर उसके बाद तब से जो एग्जाम्पल्स आप सुनते आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आर पेट्रोमाइजन, दैट इज लैम्प्रे, एंड मेगजिन, दैट इज हैगफिश। इसका भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट, हो गया ये।